और मैं उस दिन को याद करता हूं जब मेरे पास मुश्किल से कोई 17-18 हजार रुपए थे। मैंने साहब 2 हजार रुपए दे के अपने घर पे वाईफाई लगवाया था। 17-18 हजार रुपए जिसकी जेब में हो वो 2 हजार रुपए के दे वाईफाई लगाएगा, जिसको उसको पता भी नहीं करना क्या है। साहब उसी से सीख के मैंने पैसा कमाया। और आज यूट्यूब पे आपको भी पता है कि यूट्यूब पे ए टू मोटिवेशन क्या है, आपको भी पता है कि आज ए टू मोटिवेशन किस स्तर पर है। अगर मैंने उस दिन वाईफाई नहीं लगवाया होता, साहब एक बात याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क तो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। उठो साहब, बाहर निकलो, रिस्क उठाओ, बाहर मत निकलो, वो रिस्क मत उठाओ, लेकिन घर पे बैठ के रिस्क उठाओ कि अपने घर पे वाईफाई लगवाओ आज। कल एक काम करोगे आप मेरे लिए, आपकी सिटी में जो बेस्ट वाईफाई है, जिसकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको घर पे पैसा कमाना है और पॉजिटिव हो तो आप देखिए, एक बात याद रखिएगा, गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। आज आपके काम की और आपकी सक्सेस की गारंटी कौन ले सकता है, आपको पता है? आप खुद, मैं नहीं ले सकता हूं। इंसान के सक्सेस की गारंटी वो खुद होता है। अगर खुद ही निकम्मे हो तो कोई दूसरा क्या कर लेगा साहब। लोगों के पास, कई लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, आपको मैं पोजिशनल पावर और यू नो पर्सनल पावर की बातें करते हैं, मैं विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा फैन हूं, आज का ये सेशन मैं उनको डेडिकेट करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, वो एक बहुत बड़े गुरु हैं और उनसे बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूं। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं आज के सेशन का, और मैं चाहता हूं कि आप विवेक बिंद्रा जी को ये सेशन दिखाइएगा, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूं। उनको बोलिएगा कि सर आपका एक शिष्य है जो इस तरह से एक सेशन ले रहा था, साहब मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, मैं उनकी पत्तियों पर चल के मैं आप लोगों की, मेरे में जो बिलीव करते हैं मैं उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा साहब, रिस्क है तो इश्क है। लाइफ में रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। इसलिए कहूंगा आपसे, अगर आप पे, आपको अपने आप पे विश्वास है, आप किसी की गारंटी मत लीजिएगा। ए टू गारंटी नहीं लेता है, ना कोई और गारंटी लेगा साहब। आपकी सक्सेस की गारंटी आप खुद हैं, और अगर आप खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं कहता हूं कि रिस्क उठाइए साहब, जिंदगी में रिस्क उठाइए। मैंने किसी और के कहने पर वाईफाई नहीं लगवाया था, मैंने जिंदगी में जो भी किया मैं अपने रिस्क पर किया। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने अपने पापा को कह दिया था, मेरे पापा कह रहे थे एक दिन जब मैं घर छोड़ के बाहर निकला था, उसके बाद से मैं कभी घर लौट के नहीं गया हूं। 12वीं के बाद, 12th के बाद कभी घर पे वापस से परमानेंटली कभी रहने को नहीं गया। उस दिन मेरे पापा ने कहा था, रुक जा घर पे, मत जा कहीं, बढ़िया दुकान चल रही है, तू उस गद्दी पे बैठेगा, तू ही है हमारा बाहुबली उस गद्दी का, दुकान पे बढ़िया बैठ के अपन माल बेचेंगे, बैठ गद्दी पर। मैंने कहा नहीं पापा, अभी तो मुझे जाना है, इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा। आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं काफी बार ये शेयर करता हूं। तो पापा क्या बोले पता है, रुकेगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चला गया तो तेरी जिम्मेदारी तेरी, फिर मुझे मत कहना। मैंने पापा को क्या कहा पता है, मंजूर है लेकिन मैं जाना चाहता हूं। इसलिए जो काम करो अपने रिस्क पर करो, जो काम करो अपने जिगरे पे करो, किसी और के कहने पे नहीं।